अगर मैं पूछूं कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए क्या चाहिए तो तुम्हारे आंसर शायद कुछ ये हो। यूट्यूब की एल्गोरिथम को हैक करना, महंगा लैपटॉप, महंगा फोन, माइक, ट्राइपॉड, पता नहीं क्या क्या। सभी चीजें इंपॉर्टेंट तो है ही, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 टिप्स जिनको मैंने बड़े यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट में सीखा। एंड पर्सनली टिप नंबर 5 बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन टिप नंबर 5 को जरूरी देख के जाना। ओके, सो हमारा टिप नंबर 1 है, वॉच फॉरेन यूट्यूबर। अकॉर्डिंग टू मिथपैट, इंडिया में कॉन्टेंट की बहुत कमी है। इन इंडिया देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्टेंट गेमिंग। ऐसे में अगर तुम फॉरेन चैनल्स को देखते हो तो वहाँ पे कंटेंट भरा पड़ा है। तुम कभी ना कभी वहाँ से कोई ऐसी नीश जरूर ढूंढोगे जिसको इंडिया में कोई करता ही नहीं होगा। जैसे कि मिस्टर मीको ने इंस्पिरेशन ली आइजिया फोटो से, एंड पर्सनली मैंने इंस्पिरेशन ली पैडी गिल से, एल्ग्रो से एंड ब्लूमी एआई से। एंड कैरी मिनाटे का कहना है कि अगर तुम्हें यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो तुम्हें कुछ तो यूनिक करना ही होगा। एंड हमारा पॉइंट नंबर 2 है, रीड कमेंट्स। ये सुनकर तुम शॉक हो जाओगे कि बीबी के वाइनस ने डिंडोरा आने तक कभी यूट्यूब के एल्गोरिथम को यूज ही नहीं किया। कभी जब यूट्यूब बनाते थे एंड यूट्यूब पे ग्रोथ होती तो इन सब के बारे में बात करते हैं, एल्गोरिथम क्या है, थंबनेल क्या है, सीटीआर कितना होगा, लाइक्स कितने होंगे, क्लिक्स कितने होंगे। नहीं, अभी शुरू किया डिंडोरा के बाद से। क्या बात कर, तो जो भुवन बम क्लासिक जो बीबी की वाइन जिसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, कोई साइंस नहीं था, जीरो साइंस। कैसे तो जज कैसे करते थे क्या चल रहा है, क्या कमेंट सेक्शन, कमेंट से, कमेंट सेक्शन, ऑडियंस फीडबैक किया। वेल आई नो कि तुम्हारे कमेंट्स एक दो ही आते होंगे, बट ट्रस्ट मी ब्रो, फ्यूचर में 1-2 लाख आने वाले। सो कमेंट्स को पढ़कर तुम ऑडियंस का फीडबैक ले सकते हो, लाइक मेरी ऑडियंस मुझसे क्या चाहते हैं, मेरी ऑडियंस देखना क्या चाहते हैं, भी बहुत कुछ जो कि यूट्यूब की एल्गोरिथम से बढ़कर है। हमारा पॉइंट नंबर 3 है, एक्सपेरिमेंट। तुम पहले ये सुनो, चप चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई नए नए। बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हैं। मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो, लेकिन इवॉल्व भी करो। सो कैरी मिनाटी का कहना है कि तुम एक्सपेरिमेंट्स भी क्या करो, क्या पता तुम्हारा कभी कुछ ऐसा चल जाए जिसकी तुम्हें उम्मीद भी ना हो। एंड एक पर्सनल टिप देता हूँ, जो भी दिमाग में आए ना उस पे वीडियो बनाओ। रिजल्ट्स को देखकर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स सबके फेल होते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी माइकला नहीं होगा जिसके एक्सपेरिमेंट्स कभी फेल ही नहीं होगी, क्योंकि पहली बार किसी का नहीं होता है। तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, क्या पता कभी कुछ तुम्हारा ऐसा चल जाए जिसकी तुम्हें उम्मीद भी ना हो। हमारा पॉइंट नंबर 4 है, ट्रेंड जैकिंग, जो कि आई थिंक तुमने सुना होगा। देखो, इस वीडियो में मैंने फर्स्ट हेडर सब्सक्राइबर्स के बारे में बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, बट फिर भी वीडियो फ्लॉप हुआ। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कुछ चैनल्स को एनालाइज किया एंड वीडियो पे 4K व्यूज आ गए। मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि स्टार्टिंग में तुम्हें कोई जानता नहीं होगा। ऐसे में अगर तुम वीडियोस बनाओगे लाइक लर्न 5 थिंग्स फ्रॉम मी, तो तुम्हें कोई जानता नहीं होगा, उनको तुमसे क्या लेना देना। ऐसे में अगर तुम वीडियो बनाओगे लर्न 5 थिंग्स फ्रॉम कैरी मिनाटी, व्यूज की बारिश होने वाली है, क्योंकि कैरी मिनाटी की 30 मिलियन से भी ज्यादा ऑडियंस है यूट्यूब में से। 1-2 लाख तो इजिली आ जाएगी, क्योंकि उनको कैरी मिनाटी से मतलब है, ना कि तुमसे। हमारा पॉइंट नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड बिलीव। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है 2018 को, एंड स्टार्टिंग में मैंने गेमिंग के वीडियोस बनाए थे, एंड उस चैनल पे मैंने 3 साल में 1.4K सब्सक्राइबर्स गेन किए। वहाँ से कुछ सीखा एंड मूवीज रिव्यूज के रिलेटेड चैनल क्रिएट की, एंड उस चैनल पे मैंने सिर्फ 5 मंथ्स में 400 सब्सक्राइबर्स गेन की। वहाँ से भी कुछ सीखा एंड द AI माइंड क्रिएट की, एंड इस चैनल पे मैंने सिर्फ 3 मंथ्स में 800 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि बस डे बाय डे इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि YouTube कोई बच्चों वाला गेम नहीं कि आज स्टार्ट किया है दूसरे दिन 1 मिलियन। टेक सम टाइम। अकॉर्डिंग टू संदीप माहेश्वरी, YouTube पे सक्सेस होने के लिए तुम्हें 3 साल तो लगेगी ही लगेगी। और मैंने कमिट कर दिया है कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो डालूं, लेकिन अगले 3 साल तक तुम्हें सिर्फ पेशेंस एंड बिलीव रखना है कि एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा, एंड इंशाल्लाह 1 डे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। अगर तुम हाउ टू ग्रो पे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाले। बाकी इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।